नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार, और लाइव लगातार हर बार आपको एक खबर से रूबरू कराते रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी खड़ा हूं बोकारो के सेक्टर 5 हटिया में, जहां सब्जी का मंडी लगता है और यहां सब्जियों के दाम जो है लगातार आसमान छू रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो जिस तरीके से बैंगन का रेट जो है अब 80 रुपये किलो हो गए हैं, जो वही करेली का रेट जो है, वो करेला जो है 60 रुपये किलो हो गए हैं, बाकी 50 रुपये से कोई सब्जियाँ कम नहीं है। केवल लौकी और एक अगर कहा जाए भिंडी छोड़ करके, हम बात करते हैं कि जिस तरीके से जो महंगाई जो बढ़ रहा है, ये बेशक कहा जा सकता है कि सब्जियों के जो दाम आसमान छू रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति यानी मौसम का दोष है। और जिस तरह से मौसम ने जो करवट लिया, जिसके बाद सब्जी के फसल जो है बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, जिसके बाद बाहर से ही सब्जियाँ जो हैं महंगी आ रही हैं। हम बात करते हैं, इन दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं। और जिस तरीके से जो है, हम आपको ये भी दिखाने की बाज़ार जो है दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हरी सब्जियाँ बहुत कम दिख रही हैं, जबकि आलू और प्याज ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या लोगों के जेब पर कितनी अतिरिक्त भार वहन करने पड़ रहे हैं, ये खुद ये बताएंगे। दुकानदार से ही हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या है सब्जियों के हालात और किस तरह से और क्यों बढ़ रहे हैं दाम। जी, आप जिस तरीके से जो सब्जियों का जो दाम जो बढ़ रहा है, क्या कारण क्या है? कारण मौसम के चलते हुआ है, और क्या, सब पानी मार दिया। करेले कैसे बेचते हैं? करेले अभी तो 60 बिक रहा है। नेनुआ 40 बिक रहा है। बोदी 50। टमाटर 40। आप देख सकते हैं, और पटल का क्या रेट है? पटल 40। देखिए, पटल मार्केट में दो तीन तरह के आते हैं, कुछ बांकुड़ा पटल भी आते हैं और कुछ बिहार से जो पटलें आती हैं, जो बिहार के पटल हैं वो 60 रुपये किलो बिक रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि जो बांकुड़ा का जो पटल जो है, बांकुड़ा का पटल जो है वो जो है 40 रुपये किलो हैं, और अन्य जो लोकल भी पटल जो हैं वो 40 रुपये पर ही टिके हुए हैं। हम बात करते हैं लोगों से जो हमारे साथ खरीदार भी हैं, कि इन्हें अपनी अब जेब को अतिरिक्त कितना ढीली करनी पड़ रहा है सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, इसके मार हम और आप झेल रहे हैं। क्या समझते हैं आप, क्या समझेंगे? हम लोग को तो सब्जी खरीदना ही बंद कर दिए हैं। ये हालत हो गया है कि पाभर आसे सब्जी ले रहे हैं, वो भी एक टाइम चलता है, एकाध टाइम बिना अचार के साथ तो कुछ के साथ खा लेते हैं, और तो कुछ है नहीं, अचार के साथ खाते हैं। अब सवाल यह है कि दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है, कि जिस तरीके से जो महंगाई जो बढ़ रहा है और दाम जो आसमान जो सब्जियों के छू रहे हैं। जी, आप बताएं कि जिस तरीके से जो सब्जियों का दाम जो आसमान छू रहे हैं, कितने अतिरिक्त जेब पर इसका भार पड़ रहा है? सर, ऐसा है कि प्याज जो 5 किलो लेते थे सप्ताह में, अभी 2 किलो 2.5 किलो में संतोष करना पड़ रहा है। भिंडी जो 50-60 बिक रहा है, वो देख करके तो हिम्मत नहीं हो रहा है लेने का, तो आम आदमी तो मर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आम आदमी मर रहा है, अब सवाल है कि क्या, जी आप बताओ कि जिस तरीके से जो सब्जियों के दाम जो आसमान छू रहे हैं, कितना इसका भार वहन करना पड़ रहा है? देखिए, जो हमारे पॉकेट मनी थे, जो घर चलाने के लिए पैसे निकाले जाते थे सैलरी से, उसमें 30-40% एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया है, जिससे हम लोग जैसे घर का लोन है, कार का लोन है, ये सब ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ा है उस पर, क्योंकि हम लोग उसके लिए तो वो तो देना ही देना है, उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट जो भी है वो तो हमको देना ही है EMI। लेकिन उसके बाद भी अगर इतना इस तरीके से महंगाई होगा, साइकिल स्कूटी छोड़ के साइकिल से आना पड़ रहा है, उसको खरीदने के लिए भी 5,000 रुपये का जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं अभी सब्जी की बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके जो सब्जियों के दामों में जो कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, इसके लिए आपको कितना अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है? भैया देखिए, पहले सब्जी का रेट मतलब 20 रुपये से नीचे KG मिलता था, आज अभी करेला 60 रुपये KG मिल रहा है। तो जो जहाँ हम 1 KG ले जाते थे, अब पाव भर लेके जाएंगे, यही कर सकते हैं, खाना तो है ही, तो इसके हिसाब से मतलब पॉकेट पे पूरा जोड़ पड़ा है, और जहाँ 1 KG के जगह पे पाव भर और 0.5 KG ही ले पा रहे हैं। बेशक ही कहा जा सकता है कि जहाँ सब्जी जो है, जो लोग खरीद करके 1 किलो ले जा रहे थे, अब 250 ग्राम पर आ गए हैं, यानी हरे सब्जी खाने की हिम्मत जैसे लोग जो हैं साधारण तो लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसी में आलू और प्याज जो है वही जो है लोगों की प्रतिष्ठा संभाल कर रखा हुआ है, और उसी के भरोसे लोग जिंदा भी हैं। अब सवाल है कि जिस तरीके से आप जी बताइए कि जिस तरीके से करीब 1 महीने के भीतर प्याज के दामों में कितनी वृद्धि हुई है? 10 रुपये। 10 रुपये? हाँ, आलू में 10 रुपया, आलू ठीक है, किलो में 10 रुपया प्याज में।
देखिए किलो में प्याज की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि कही जाएगी कि एक महीने के भीतर जिस तरीके से प्याज की कीमतों में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जी, आप बताओ कि जिस तरीके से जो सब्जी की जो खेती है या सब्जी का जो सब्जी मार्केट में जो मिल रहे हैं, कितना इसका अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है, कितना महंगाई है? बैसाखी कहा जा सकता है जी, आप बताएं। बेतहाशा तो वृद्धि हुई है हर एक सब्जियों में, कुछ प्रकृति के अनुसार और कुछ ये लोग कृत्रिम की है। बट सेक्टर 5 हटिया लगाने के लिए आप प्रशासनों से अनुरोध है कि बाहर जो लगा रहे हैं रोड साइड में उनको कृपया हटवाएं, चाहे मछली वाले हों सब्जी वाले हों, सबको प्लॉट पर कहें अपने ऊपर ऊपर लगाएं और रास्ते को छोड़ें ताकि सबको व्यवस्थित मिले, सबको कोरोना से सुरक्षा मिले। सवाल है कि जिस तरीके से जो लोग बात करते हैं, हम उनसे भी बात करने की जी, आप बताइए कि जिस तरीके से जो सब्जियों के जो कीमतों में जो वृद्धि हुई है इसका कितना भार वहन करना पड़ रहा है अतिरिक्त? बहुत इसके अभी कुछ तो बहुत ज़्यादा अभी है इन यानी कि महंगाई, अब धीरे धीरे महंगाई कुछ कम हो रहा है सर, अब अच्छा लग रहा है हम लोग को मार्केटिंग भी करने में, और यही सब आपको बताना चाह रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग सर बजाज कैपिटल में काम करते हैं, तो हम लोग सर बेशक ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो सब्जियों की कीमतों में जो उछाल आई हैं इससे लोगों को 30-35% अतिरिक्त अब खर्च करने पड़ते हैं, यानी जहां लोग जो हैं पहले 2000 रुपये की सब्जी में अपना काम चलाते थे अब उन्हें 4000 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि महंगाई जो है महंगाई रूपी डाइन सबको खा रही है और सबको ही अतिरिक्त जेबें ढीली करनी पड़ी है। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।